ये मैं बता दूं कि जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो सब बैचलर्स के लिए हैं, ठीक है। कोई भी मास्टर्स के लिए नहीं है, कोई भी पीएचडी के लिए नहीं है। मैंने जो भी देखी है वो सारी बैचलर्स के लिए हैं। कोई स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो कि क्या कहते हैं, उनमें एप्लीकेशन फ़ीस हैं, कोई ऐसी हैं जिनमें आइल्स रिक्वायर्ड हैं, और कोई ऐसी हैं जो कि सिर्फ चाइनीज़ प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि इंग्लिश प्रोग्राम्स की स्कॉलरशिप मिलना वो भी बैचलर्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो जो जो हैं वो सब मिक्सड अप है, मैं सबकी डिटेल्स देता रहूँगा। ये जो पहली यूनिवर्सिटी है इसका नाम है चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम बीजिंग। दो हैं, एक मेरे ख्याल में वुहान या कहीं पर भी है, लेकिन ये बीजिंग वाली बहुत अच्छी है। पहले इनके जो है ना नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। अच्छा, अगर प्रोग्राम्स देखने हैं तो इनके इंग्लिश प्रोग्राम्स तो बहुत कम हैं। मुझे ये मालूम है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड जो है, क्योंकि मैंने अपने लिए देखा था, तो ये मुझे मालूम है कि ये इंग्लिश में है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो स्कॉलरशिप है, एक मिनट में ये खोल दूँ, इनकी जो स्कॉलरशिप है वो इंग्लिश प्रोग्राम्स के लिए वैलिड है। मतलब आप इंग्लिश प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जहाँ तक मुझे मालूम है आप विदाउट आइल्स के अप्लाई कर सकते हो। आपको सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हो तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आपको बीजिंग की इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाए। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इंग्लिश का प्रोग्राम है, और अगर आप ये देखें ना एप्लीकेशन मटेरियल्स में यहाँ लिखा हुआ है आइल्स टोफल, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स असेंशियल फॉर नॉन नेटिव्स की सर्टिफिकेट विच कैन प्रूव यू हैव बीन टॉट इन इंग्लिश ड्यूरिंग योर प्रीवियस स्टडी। मतलब कि ऐसा सर्टिफिकेट जो कि प्रूव कर सके कि आपने अपनी स्टडी से 2 साल, मतलब अपनी जो स्टडी है लास्ट 2 साल जो है वो इंग्लिश में पढ़ी है। तो वही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा जी, स्कॉलरशिप पर आते हैं। अच्छा, तो इस स्कॉलरशिप का नाम है चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम स्कॉलरशिप। ये जो बीजिंग है, ये जो चाइनीज़ गवर्नमेंट वाली हैं, ये सब आप नहीं देखिएगा क्योंकि ये फुली फंडेड नहीं है। फुली फंडेड सिर्फ यही है, इसका नाम है CUP और फर्स्ट क्लास वाली। मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या होता है। ये रहा स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, फर्स्ट क्लास एग्जाम फ्रॉम पेइंग ऑल ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, डबल रूम, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, और मंथली अलाउंस मिलता है 10 मंथ्स के लिए, लेकिन 1800 RMB पर महीना। इसका मतलब ये है कि 1500 RMB पर मंथ मिलता है अगर हम 12 महीनों का देखें। अगर 10 महीनों का देखें तो 1800 RMB पर मंथ मिलता है। सेकेंड क्लास वाली भी है, थर्ड क्लास वाली भी है, जो कि फुली फंडेड नहीं है। तो कोशिश तो यही करें कि आप फर्स्ट क्लास वाली पर अप्लाई करें और इसको सिक्योर कर लें। इसके लिए जो है आपको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ कौन कौन से चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ ऑल चाइनीज़ वीज़ा पेजेस, जो कि आपके नहीं हैं, सिर्फ पासपोर्ट आपको डालना होगा। इसके अलावा आपकी मार्कशीट, आपका प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, स्टडी एंड रिसर्च प्लान, मतलब कि आपका स्टडी ऑफ पर्पस, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, क्रिमिनल रिकॉर्ड, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। अच्छा, ये जो है ना लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो ये अंडर ग्रेजुएट्स को इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब कि सिर्फ 6 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, जिसमें से मार्कशीट हर किसी के पास होती है, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हर किसी के पास होता है, SOP आप लिख सकते हो। सिर्फ ये जो 2 हैं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये आपको फिल करवाना है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जहाँ तक मुझे याद है 600 RMB थी, और बीच में इन्होंने एक ऑफ़र निकाली थी जिसमें वो 300 RMB हो गई थी। तो आप जो है इसको देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 600 RMB अभी जो है इसकी होगी एप्लीकेशन फ़ीस। तो इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और किसी को अगर हेल्प चाहिए तो वो मुझे मेरे फेसबुक पे मैसेज कर सकता है। मैं जिस तरीके से भी हेल्प कर सका मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं शेयर करूँगा वो होगी तियानजिन यूनिवर्सिटी की। तियानजिन यूनिवर्सिटी की एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, तो मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।